हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से बात करने वाला है आईआर रिमोट कंट्रोल पोर्ट के बारे में। इसके बारे में हमने पिछले दो वीडियो बनाया, जिसमें पहले वीडियो में हमने ओवरव्यू बताया था बोर्ड का, सेकंड वीडियो में हमने डीसी कनेक्शंस बताया था। तो आज हम एसी कनेक्शंस बताएंगे। आप अगर घर में लगाना चाहते हो, किसी एसी डिवाइसेस को ऑन ऑफ करना चाहते हो या एसी से पावर देना चाहते हो, इस बोर्ड को कैसे हम कनेक्ट करेंगे एसी डिवाइसेस के थ्रू, आज हम वो बताने वाले हैं आपको। इसमें सेम दो मोड पर काम करेगा, एक टॉगल मोड और दूसरा मोमेंट्री मोड, और एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी आप ऑपरेट कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में आईआर ब्लास्टर इनबिल्ट है। तो आइए देखते हैं एसी कनेक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए होगा पांच होल्डर, और ये हमने ब्लैक वायर थोड़ा लंबा सा काट लिया है। अब इस सारे को हमें एक जगह जोड़ देंगे। ये हमने सारा जोड़ दिया। अब लेंगे एक लंबा सा वायर जो कि हम सप्लाई में लगाएंगे, एसी सप्लाई में। तो इसमें से जो ब्लैक वाला वायर है उसको भी इसके साथ जोड़ देंगे, और ये हमारा मेन न्यूट्रल कनेक्शन होगा। ये जो न्यूट्रल का वायर है, ये होल्डर के दो में से एक वाले पॉइंट पे सारे होल्डर में जोड़ देंगे। इसी के लिए कॉमन है हमारा न्यूट्रल। ये हमने जोड़ दिया है होल्डर के एक एक पॉइंट पे न्यूट्रल। हम रेड वायर्स लेंगे, और ये जो दूसरा पॉइंट खाली था उस पे तो ये हमारा हो गया फेस का भी कनेक्शन। ये ब्लैक वायर हमने लिया जिससे हमने कॉमन कर दिया है पांचों होल्डर में, और दूसरे पॉइंट पे हमने क्या किया है, फेस के लिए हमने कनेक्शन निकाल लिया है हर होल्डर के सेकंड वाले पिन। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अब हम ये लेंगे बोर्ड जो रोबोसॉफ्ट के तरफ से आने वाला है, SKU नंबर RL900 है, और इसके जितने भी CC पॉइंट है कॉमन पॉइंट, उसमें हम क्या करेंगे कि हम फेस का कनेक्शन देना है हमें। तो हमने ये ले लिया है छोटा सा रेड वायर, जिसको छोटे छोटे काट के हमने जोड़ लिया है, और इसमें हम एक लगा लेंगे जो हमारा AC से आने वाला वायर हमने लिया था उसका भी रेड वाला वायर हमने जोड़ लिया। और आप क्या करेंगे, बोर्ड के जितने भी CC पॉइंट है सब पे जोड़ देंगे। तो ये चारों का हमने कॉमन कर दिया फेस CC पॉइंट पे लगा के। अब जो पांचवा वाला है उसको हम जोड़ेंगे लास्ट वाले पिन से, जिसमें लिखा हुआ है आउट। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन फेस का। हमने क्या किया, जो सप्लाई से फेस आएगा उसको हमने कॉमन कर लिया सारे रिलेज। अब हम क्या करेंगे, ये है होल्डर से जो ये सेकंड वायर आया था फेस के लिए, उसको बोर्ड में जहाँ पे NONO लिखा है रिलेज में, वहाँ पे जोड़ देंगे चारों में। वैसे पांचवा वाला जो है उसको हम सेकेंड लास्ट पिन पे जोड़ देंगे, जिसमें लिखा हुआ है इन। तो ये हो गया हमारे सारे कनेक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे टू पिन प्लग, और इसमें हम जो वायर था हमारा AC पे जाने वाला, उन दोनों को जोड़ लेंगे। तो इस प्लग के थ्रू हमारा AC आएगा होल्डर्स तक।
तो ये बोर्ड में हमें क्या लगाना है, 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का एडाप्टर। तो ये एडाप्टर है हमारे पास, ये हम लगा लेते हैं इसमें, और इस एडाप्टर को एसी में लगाएंगे, और साथ में जो ये 2 पिन प्लग है इसको भी हम लगाएंगे एसी। लेते हैं 0 वाट के बल्ब और इसे होल्डर में लगा लेते हैं। तो ये हमारा 12 वोल्ट का एडाप्टर जो हमने यहाँ पे लगाया वो है, और ये हमारा जो पावर कनेक्शन हमने रिलेस पे लगाया और बल्ब से लगाया हुआ है। अब हम स्विच देके पावर देते हैं, ये पावर हमारा आ गया। तो जो बोर्ड है हमारा वो डिफ़ॉल्ट में टॉगल मोड में रहता है जो है आता है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं 1 2 3, ये 4 और वो 5, ये अब क्या है सारे ऑन हो गए। अब फिर से प्रेस करेंगे तो सारे ऑफ हो जाएंगे। ये हमारा टॉगल मोड है, इससे हमारा सारा ऑन हो जाएगा, इससे हमारा सारा ऑफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा मोड जो कि है हमारा मोमेंट्री मोड। उसके लिए हम ये मोड को प्रेस करेंगे एक बार, साउंड आया आपको, तो अब वो चला गया मोमेंट्री मोड में। अब ये देखिए, जब तक मैं फर्स्ट को प्रेस करके रखूँगा बटन को, तब तक ये ऑन रहेगा, और जैसे छोड़ दूँगा वैसे ऑफ हो जाएगा। फिफ्थ वाले में देख रहे, फिफ्थ वाले में इंडिकेटर नहीं है इस बोर्ड में, तो आप वो देख लीजिएगा। देखें हम, ये हमारा मोमेंट मोड है। हम फिर से चले जाते हैं टॉगल मोड में, ये है टॉगल मोड, एक बार प्रेस करेंगे ऑन, दूसरे बार प्रेस करेंगे ऑफ। अब हम दिखाते हैं आपको ऐप के थ्रू कैसे ऑपरेट होगा। देखिए ये तभी होगा जब आपके इसमें, देखिए आपके मोबाइल में आयर ब्लास्टर होगा, ये दिख रहा है आपको। आप ये मोबाइल के फीचर्स में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ये ऐप का नाम है ई स्विच ऑन, ये आयर रिमोट मोड में जाएंगे, और ये जो पैनल है हमारा ये टॉगल मोड का है। तो हम देखें एक बार प्रेस करेंगे ऑन, दूसरी बार प्रेस करने पर ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये ऑल ऑफ, ये ऑल ऑफ, ठीक है। ये टॉगल मोड है। अब आपको अगर मोमेंट्री मोड में जाना है ऐप पे, तो हम ऊपर प्रेस किए, ये हमारा मोमेंट्री पैनल आ गया, पर बोर्ड हमारा अभी भी टॉगल मोड में है। तो उसको हम मोमेंट्री मोड पे ले जाने के लिए हम इसको प्रेस करेंगे। अब हमारा आ गया बोर्ड मोमेंट्री मोड में, देखिए जब तक हम प्रेस करके रखेंगे तब तक ही ऑन रहेगा। अभी इसको हम फिर से प्रेस करेंगे, फिर से हमारा बोर्ड ये पैनल चला गया टॉगल मोड में। हम बोर्ड को अगर टॉगल मोड में करना है तो हमें फिर से ये करना पड़ेगा। अब फिर से बोर्ड चला गया हमारा टॉगल मोड में, देखिए